हेलो फ्रेंड्स, हाय, हेलो, हाय, छोड़िए, जय माता दी, बोलिए। सो गाइज, वेलकम टू SG दूरबीन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है, ओके, टॉपिक बताने से पहले तो मैं पहले आपको बताऊं, मैंने यही सेम वीडियो, सेम टॉपिक पर वीडियो बना रखी है, इंग्लिश में भी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है और आप जाकर देख सकते हैं अगर आपको हिंदी में देखनी है, सॉरी, इंग्लिश में देखनी है। या गाइज, आई हैव मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो एंड यू कैन सी द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो अहेड, थैंक यू वेरी मच। एंड गाइज, टुडेज टॉपिक इज दिस। दिस इज़ नॉट अ पिम्पल। ये कोई पिम्पल नहीं है, ये कोई एक्ने नहीं है। इसको कहते हैं फ्योजेनिक ग्रेनुलोमा, जो इंग्लिश में, हिंदी में तो मुझे पता नहीं है, इंग्लिश में फ्योजेनिक ग्रेनुलोमा कहते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि ये जब होता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो इसका इलाज कैसे करना है, सब कुछ, डॉक्टर की फ़ीस क्या है, इंडिया के हिसाब से भी मैं बता दूंगा, और जो कि मेरा एक्सपीरियंस है सिंगापुर में, सिंगापुर के हिसाब से भी मैं बताऊंगा आपको। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी अपनी सर्जरी दिखाऊंगा कि कैसे सर्जरी हुई है, सब कुछ। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। थैंक यू। एक्चुअली ये हुआ क्या था मुझे, ये पहले एक छोटा सा पिंपल सा हुआ था, पिंपल के बाद ये थोड़ा एक्ने जैसा बन गया और बढ़ता 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 गया, और मुझे तब जाकर इसका पता लगा। एक रात मैं ऐसे सो रहा था और अचानक से 3 बजे के करीब मेरी आँख खुली और देखा कि मेरा पूरा फेस और पिलो मेरा पूरा पूरा खून से गीला हो रखा था और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। मीन्स उठा फिर भी ब्लीडिंग हो रही थी। और 3 बजे से लेके 4:30 पौने 5 बजे तक तो मैंने बहुत ट्राई किया, बैंडेज लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन नहीं हुआ। फिर अराउंड 4:45 पौने 5 बजे के करीब मैंने अपने आप अपने फेस को अच्छे से बांधा, बैंडेड, टिश्यू पेपर लगाया ढेर सारा, बांध के सीधा हॉस्पिटल गया, टैक्सी की, हॉस्पिटल गया इमरजेंसी में। वहाँ पर डॉक्टर ने पहले तो उनको मजाक सा लगा कि एक छोटे से पिंपल के लिए ये बंदा यहाँ पर आया इमरजेंसी में, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको भी महसूस हुआ कि हाँ, ये खून, कोई तो गड़बड़ है, खून क्यों नहीं रुक रहा है। और गाइज, यू वॉन्ट बिलीव कि दोपहर के 1:30 बजे तक खून नहीं रुका। मीन्स 1:30 बजे जाकर मेरा ये ब्लड ब्लीडिंग रुकी उसकी। फिर उन्होंने बताया मुझे, आप देख सकते हैं, ये मेरे पास रिपोर्ट भी है, टाइम भी लिखा हुआ है, डेट भी लिखी हुई है, ये है, मेरा नाम भी है, और ये इसका नाम है जो इसका, फ्योजेनिक ग्रेनुलोमा। तो डॉक्टर्स ने मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, उन्होंने मुझे रेफ़र किया स्किन स्पेशलिस्ट के पास, और स्किन स्पेशलिस्ट से मैंने कॉन्टेक्ट किया। पहले तो मैंने सर्च किया ऑनलाइन भी, गूगल पे भी, कि ये चीज़ क्या है, क्या होता है। तो तब मुझे पता लगा कि इसका एक्चुअली, इससे होता क्या है, कोई भी पेन नहीं होता है, देखिए, कुछ भी पेन नहीं होता है, ये ब्लड होता है, बस इसको छिड़े मत, एक बार छिड़ गया तो ये ब्लड निकलना शुरू नहीं है, मीन्स रुकता नहीं है। तो यही सबसे बैड साइड है इसकी, जो इसका खून नहीं रुकता है। तो गैस, मैंने फिर डॉक्टर से कांटेक्ट किया, बहुत से मीन्स ऑन कॉल पर ही, मीन्स ऑनलाइन मैंने सर्च किया स्किन स्पेशलिस्ट सभी ने, और मोस्टली सभी ने ये बताया कि पहली सिटिंग में तो हम देखेंगे क्या है, उसका $150 फीस होगी, उसके बाद वैसे इसका लास्ट यही है कि सर्जरी होती है, और सर्जरी में उन्होंने बताया कि $500 से $1,000 के करीब लगेगा सिंगापुर डॉलर का, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, सॉरी, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और बाकी इसके मीन्स देखेंगे, देख कर उसके मीन्स बहुत कुछ बता रहे थे, स्कैन करेंगे और जब इसको कट करेंगे, कट करके इसको बायोप्सी के लिए भेजेंगे, कैंसर हो सकता है, ये वो, बहुत सी स्टोरी सुनाई मुझे। मीन्स ये भी लगा कि यार, ये क्या छोटी सी चीज़ है, और मैंने सर्च किया था कि इंडिया में सिर्फ इसका इलाज ₹5,000 में हो जाता है, जहाँ तक मैंने सर्च किया और डॉक्टर से बात की इंडिया में, बट इंडिया तो जा नहीं सकता हूँ। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड ने
उसने ढूंढा ये मीन्स एक क्लिनिक, अचानक से मीन्स वो कहीं मार्केट में थी तो उसको कोई क्लिनिक के बाहर कोई फ़ोटो दिखी कि ये इस तरह के एक्ने की फ़ोटो थी, तो उसने बात की डॉक्टर से वहाँ के। तो डॉक्टर ने बताया कि इसका हम सर्जरी करते हैं सिर्फ $150 में। सो गाइस अभी मैं आपको इसी वीडियो में अपनी सर्जरी की फुटेज भी दिखाऊंगा, मीन्स वीडियो दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने सर्जरी की है। और मिलते हैं सर्जरी के बाद। ओके गाइस, टिल देन पॉज द वीडियो।飞了呢？No feeling 啊？You got feeling? You must tell me 啊。Okay. Treatment again. Yeah, feeling. Treatment again 啊。I'm up here 300. This is almost 3 months. 3 months only. 3 months like this bigger area. Yeah. Well, the time it explodes, then we come back again. Just a little bit. A little bit, minor. No, no. But this one now may be difficult to do. I try for some. Mm, yes. Before it's small only or bigger? Yeah, small. Small. How long is it small? When start this one? This one 1 month. 1 month? One of bigger is 1 month only. Before it's small. Yeah. This is one time explode. After that become big. Maybe.
cannot. This cannot. I put the thing. Yeah. You want to put off you can tahan? Hmm? You can tahan. Can ah? Yeah, you can. Hmm. How many years are you? 10. You have a mirror, check already. But you need to put meditation on. There is any chances to come back again? No need to come back again, but you must put you must buy this one to use, huh? Okay. This one's $20. Okay. You put powder, this powder, okay. So you use take the mirror, you just put like this.
How many times? A night time only or? Okay. So I can put band-aid? Can. Okay. So now it got black, come up, you can put again powder like 1 hour, 2 hours. Okay. So वापस आ गए हैं अपनी वीडियो पर गाइज. आप देख सकते हैं अब ये देखिए, ये एक हफ्ते के बाद है. मीन्स एक हफ्ता हो चुका है सर्जरी को. एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का आफ्टर सर्जरी. सो सर्जरी के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और आज टाइम मिला. पूरा एक हफ्ता हुआ है और मैंने सोचा चलो एक हफ्ते के बाद पूरा मैं आपको दिखाऊँ कि एक हफ्ते के बाद कैसा दिखेगा. सो आप देख सकते हैं ये हल्का सा मार्क है और कोई ज़्यादा पेनफुल नहीं था. मीन्स कोई ज़्यादा दर्द नहीं हुआ. और टोटल उन्होंने, वैसे तो 20 मिनट की सर्जरी होती है लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई थी इसमें, तो उसकी वजह से 3 घंटे लगे थे टोटल. और खर्चा कुछ भी नहीं आया ज़्यादा. मीन्स $170 थे सिंगापुर के डॉलर और $150 उन्होंने सर्जरी के लिए और $20 में ये पाउडर दिया. ये वाला तो ये पाउडर है और ये पाउडर एक्चुअली मार्क के लिए है कि मार्क नहीं रहेगा. और लगा भी रहा हूँ, देखिए अभी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया. मीन्स 4-5 बार ही लगाया था बीच बीच में, क्योंकि ये पहले उन्होंने बोला था कि ये एक्चुअली होता है क्या सर्जरी के बाद, कई बार होता है कि ब्लीडिंग, हम फेस वॉश कर रहे हैं या फिर हम नहा रहे हैं, नहाते वक्त अगर ब्लीडिंग होने लगती है तो उसके लिए है. क्योंकि मोल हो गया या स्पेशली ये ग्रेनुलोमा हो गया, इसमें ब्लीडिंग सर्जरी के बाद भी होती है थोड़ी बहुत. और $170 ठीक है, क्योंकि मैंने कई डॉक्टर्स के पास भी गया, हॉस्पिटल्स पे गया, जैसे कि आपको बताया $500-1000 ऐसे मांग रहे थे. और दिस इज़ रियली वेरी चीप एंड बेस्ट. और आप इस क्लिनिक पे ज़रूर जाइए अगर आपको किसी भी तरह का स्किन डिसीज़ है. और जैसे कि अब वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे हैं ये मेलिस्मा का, आप देख सकते हैं मार्क, इनसे डार्क स्पॉट्स भी कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं. और बहुत ही अच्छी क्लिनिक है सच में. मीन्स बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. और गाइस, सो और कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप सिंगापुर में हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और पूछिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगा. और थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. और मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.